चौकीदार चोर है, मैं बोलता हूं मैं, आप इसको जरा देखिए इसमें फैक्ट क्या है। कैंपेन बहुत अच्छा हो सकता है, इलेक्शन कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार बहुत अच्छा हो सकता है। मैं बोलता हूं ये जितने 25 लाख चौकीदार हैं, इसमें से असली चौकीदार कोई नहीं है, जो किसी फैक्ट्री के गेट पे खड़ा होकर ठंड में, ठिठुरती हुई ठंड में, जो रात को जो है 12-12 घंटे की ड्यूटी देता है। क्या कोई ऐसा चौकीदार है 25 लाख में? अगर है तो बीजेपी की गवर्नमेंट मुझे दिखाए। ये 25 लाख चौकीदार कौन है? ये इनके बूथ के चौकीदार हैं, ये इनके बूथ के मैनेजर हैं, जो इनके बूथ पे इनके वोटों की चौकीदारी करेंगे। और शायद विपक्ष बोलेगी तो वो ये बोलेगी कि हम ईवीएम की चौकीदारी करेंगे। ये मेरा कटाक्ष है और क्वेश्चन है बीजेपी के लिए। आप 25 लाख छोड़ दो, आप 2500 उन चौकीदारों से आप कर लिए होते जिनके पास चप्पल नहीं होती है, और हाफ पैंट या फुल पैंट पर 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 12 घंटे ड्यूटी वो कहीं किसी फैक्ट्री के सामने खड़े होके करते हैं, और 8000 रुपए महीने की उनकी तनख्वाह नहीं होती है। किस तरह से चौकीदार की परिभाषा को आप डिफाइन कर रहे हैं? अपने बूथ मैनेजर, अपने बूथ एजेंट को, 25 लाख लोगों को 12 घंटे में आप इकट्ठा करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इससे देश का विकास होगा? चौकीदार की डिफिनेशन बदलिए मोदी जी, सही चौकीदारी तक पहुंचिए। जो आपने बीड़ा उठाया है कि हर चीज का फायदा सही लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अब की बार आप सही चौकीदार जो है, जो वास्तविक रूप में चौकीदार हैं, उन चौकीदारों से आप 5 साल तक आपने बात नहीं किया। बूथ मैनेजर जो आपके वोटों की रक्षा करेंगे, उन चौकीदारों से आप बात कर रहे हैं। सारी पार्टियां यही करती हैं, बरगलाना मैंने आपको बोल दिया, विकास नाम का कोई मुद्दा नहीं है किसी पार्टी के पास। बिल्कुल संजय मिश्रा, 10% भी ये लोग विकास की बात नहीं करें, अपना रिपोर्ट कार्ड, अपने फेल्योर को, इन किसी भी पार्टी के अंदर गट्स नहीं है कि अपने फेल्योर को बोले कि हाँ ये मुझसे गलती हो गई, मुझे चांस दीजिए, इस बार मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। सारा समय पर एके मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ। तो क्या मायने हैं प्रियंका गांधी के इस दौरे के, सबसे पहले समझना चाहूंगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट एके मिश्रा जुड़े हैं। किस तरीके से देखते हैं सर आप प्रियंका गांधी के इस पूरे दौरे को, किस तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रही हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, वैसे ही ये भी मानना चाहिए कि भारत एक धर्म प्रधान देश है। बहुत पहले मैंने कई टीवी डिबेट में बोला था कि धर्म और जाति पाति को अगर राजनीति से हटा दिया जाए, भले लोग बोलते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, ये है वो है, मैं बोलता हूँ 5 वर्षीय लौह पुरुष, विकास के लौह पुरुष मोदी जी, जिन्होंने 5 साल तक विकास किया, ठीक इसी हिसाब से मैं कांग्रेस के बारे में भी बोलूंगा कि विकास की जननी 70 वर्षीय जो पार्टी कांग्रेस है, आज कोई विकास की बात ही नहीं कर रहा है। ना मोदी जी बात कर रहे हैं, ना कांग्रेस कर रही है, बात किसकी हो रही है? इमोशनल, मतलब मैं चौकीदार हूं, मैं गंगा यात्रा कर रही हूं, गंगा मैया मेरा जो है नैया पार करेंगी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, एक जनता से अपने आप को जोड़ने के लिए, देखिए धार्मिक जो आस्थाएं होती हैं, पूरा जनमानस उनसे जुड़ा हुआ है, उनको वोट में कन्वर्ट करना है तो उनकी क्या लाइकिंग है, वो क्या चाहते हैं, ये एक सबसे बड़ा सहारा होता है। मुझे लगता है विकास विकास की बातें हवा हो गई हैं, और ये एक चुनावी मुद्दा कुछ मिल नहीं रहा है दोनों पार्टियों को, तो कोई चौकीदार की बात कर रहा है, तो कोई गंगा यात्रा कर रहा है, तो कोई किसी भगवान के दर्शन कर रहा है। अंतिम समय में सबके लिए मुद्दा मोक्षदायिनी गंगा ही होती है, भगवान ही होती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है ग्रेटर कनेक्शन के लिए, डीपर कनेक्शन के लिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो किसी की रह नहीं गई, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती तो बात होती विकास की, बात होती 5 साल या 70, कांग्रेस से पूछे 70 साल में इतने काम किए, एक काम को तो आप मुद्दा बना लो। बीजेपी को भी यही है, 5 साल तक आप चिल्लाते रहे विकास विकास विकास, आज आप विकास का नाम ही नहीं ले रहे हो। अरे विकास नाम का कोई लड़का है कि नहीं भारत में? सब गायब हो गए, कुछ नहीं 70 साल से कांग्रेस का, अब कैसे डीपर पेनेट्रेशन करें? तो अब ये इमोशनल पोजीशनिंग हो गई जी, हम गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं, अब सब लोग सोचेंगे अरे देखिए कितनी बड़ी भक्त है। तो एक अटैचमेंट डेवलप करने का ये प्रयास है, उनको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए इन्होंने ये शुरू किया। मिश्रा जी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि बिल्कुल संजय मिश्रा जी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात, बेरोजगारी की बात कोई नहीं कर रहा है, है ना, चौकीदार और चोर ये सब बातें की जा रही है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, बहन बेटियों के लिए कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। They are only the best emotional blackmailer.